हुए। पलामू के गैस गोदाम में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना पाटन थाना क्षेत्र के रिमझिम एचपी गैस एजेंसी गोदाम की है, जहां घटना में 5 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं बरवाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी बरवाड़ी गोमो सवारी ट्रेन की बोगी में फंदे से लटका एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव की सूचना मिलते ही यात्रियों में खलबली मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी और आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने जीआरपी मेदीनगर को सूचित कर दिया है। वहीं मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। माफ कीजिएगा, गमरिया थाना क्षेत्र में एक चोर को बाइक चोरी करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि बाइक चोरी करने की खबरें पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस छापेमारी करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस चोर की गिरफ्तारी सीसीटीवी में कैद तस्वीर के आधार पर की है। क्षेत्र के अंतर्गत स्कूटी की चोरी बढ़ गई थी, उसमें हम लोग वीडियो फुटेज, एक चोरी हुआ जिसमें वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ था। दिनांक 11 तारीख को एक स्कूटी चोरी हुई थी, तो उस फुटेज के आधार पे एक लड़का को पकड़ा गया, जो कि हुई उसका नाम सन्नी कुमार साव है, पिता का नाम कन्हैया लाल साव है, मोती नगर रोड नंबर 2 आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यहाँ पे वो पहले रह करके आलू। वहीं झारखंड के स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय के पास प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार को 6 लोगों ने मिलकर मारपीट कर पैकेट से 10,000 रुपये निकाल लिए और जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि पीड़ित ने इसकी शिकायत चांडिल थाना में दर्ज करवाई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 52 लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में अल्फान तूफान के कहर से बेघर हुआ परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक साल पहले आए तूफान से इनके घर को बर्बाद कर दिया गया। विस्थापित हुए पीड़ितों से प्रखंड विकास पदाधिकारी कई बार मिलने आए और उन्होंने आर्थिक मदद देने का हर बार आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। मदद की बाट जो रहा पीड़ित का परिवार अब 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गया है। তখনই বিডিও সাহেব 1 বছর হতে গেল, এখন তো কোনো হয় নাই, আর আমার সালের কামাই তো হচ্ছে নাই, পরিবার আমার ছোটা এখন আছি, আমরা ওই গাই আমার পুষতে মুশকিল লাগে যাচ্ছে। এখন যে ওরা আশ্বাসন দিব যে বেশি হবে, বিডিও দুবাতি মারা আসলেন, এখন তো হইল নাই কোনো নাই, যে আজ হবে কাল হবে, আর এখন তো আমি একলা দ্বারাই তো আমার হতে নাই, পরিবার বসে কোনো কি করবো, কোনো চাল নো ডাল মিলছে। झारखंड के सरायकेला के खरसावा जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के जाहिर थान के कचरे में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौका रहते स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक सफाई करने वालों ने ही आग लगाई थी। वहीं बोकारो में अप्रेंटिस संघ के बैनर तले आज एडीएम बिल्डिंग के गेट के पास विस्थापितों ने एक दिवसीय धरना दिया। विस्थापितों का आरोप है कि बीएसएल मैनेजमेंट और सेल प्रबंधन ने नियोजन को लेकर किसी तरह का सकारात्मक पहल नहीं की है, जबकि 2016 में ही अप्रेंटिस कराया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर प्रबंधन किसी तरह की कोई पहल नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। स्थापित अप्रेंटिस संघ के कुछ युवा हैं जिनको नियोजन से संबंधित कुछ मांगे हैं, जो बेसक प्रबंधन से उन्होंने गुहार लगाई है, जिसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों से हमने आग्रह किया है कि विधि व्यवस्था को हाथ में नहीं लें, बातचीत से मामले को सुलझाए, और बेसक प्रबंधन से ये बात की जा रही है कि बातचीत करके जो भी सोल्यूशन है। देवघर के पर्यटक स्थल हाथी पहाड़ को उनकी पहचान दिलाने में देश के प्रतिष्ठित कलाकार मार्कंडे जेजवाड़े जी जान से जुट गए हैं। हाथी पहाड़ के नाम से मशहूर इस पहाड़ी नुमा स्थल को उसके असली स्वरूप देने में कलाकार मार्कंडे जुटे हुए हैं। उन्होंने ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर विशाल पहाड़ को हाथी का स्वरूप दे दिया है। पिछले 15 दिनों से लगातार काम कर पहाड़ को तराश कर उसे हाथी का वास्तविक स्वरूप दे दिया गया है। वहीं हाथी पहाड़ आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इनकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं।